रानी झरिया में आपका। हेलो फ्रेंड्स, और आज हम जाने वाले हैं रानी झरिया, जो कि काफी अच्छा जलप्रपात है, यानी कि वाटरफॉल है हमारे छत्तीसगढ़ का, और वो कोरबा में स्थित है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप मैं बताने वाला हूँ कि आप रानी झरिया कैसे जा सकते हैं, अब कितनी दूरी पर है, और आपको पूरा उसका लोकेशन दिखाऊंगा जाकर, और वहाँ क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं हूँ आपका दोस्त मनोज। तो फ्रेंड्स, रानी झरिया जो कोरबा से 14 किलोमीटर है, और अगर आप कहीं से भी आएंगे तो आप अगर कोरबा से आ रहे हैं तो आपको बालको की रोड को पकड़ना है, और वहां से अजगर बहार का रोड आपको पकड़ना है, और बालको में आपको जिस चौक के पास जाना है वो आपको हवाई पट्टी के पास मिलने वाला है। तो ये वाला चौक जो है वही है, और यहाँ से हमको जो है सीधे अजगर बहार तक जाना है। तो इस चौक से हमें अजगर बहार के लिए जाना पड़ेगा, और ये रास्ता जो है अजगर बहार जाएगा। अजगर बहार एक ग्राम का नाम है, गांव का नाम है, और वहाँ से हमको 2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, जहाँ से ये देखिए ये अजगर बहार गांव पहुँच गए हम लोग, और यहाँ से हमको 2 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा, जहाँ से हमको मिलने वाला है रानी झरिया। और वो छोटा सा एक पगडंडी जैसा रास्ता है, लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको जैसे ही आप आगे जाएंगे, और वहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ से हमको राइट मुड़ना है, और आधा किलोमीटर को ही हमको चलना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको जो है उसका पार्किंग एरिया मिलेगा, जहाँ पर हम अपना गाड़ी पार्क करेंगे, बाइक वगैरह, आप कार किसी को भी वहाँ पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद हमको वहाँ से 2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। जी हाँ, मैंने सही कहा, 2.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, जो कि एक ट्रैकिंग होगा, काफ़ी तगड़ी ट्रैकिंग होने वाली है। यहाँ पर आप बाइक खड़ा कर सकते हैं, और बाइक खड़ा करने के लिए आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा 20 रुपये, 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आप अपनी बाइक यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो ये गांव वालों के यहाँ पर दिया गया है 20 रुपीज़, यहाँ पर हमको पे करना है, और इसका देख रेख यहाँ के लोग करते हैं। तो यहाँ से हम जान जाएंगे, और यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर किस डायरेक्शन से आपको जाना है, कितना दूर है। तो यहाँ पर हमको बताया गया है कि 2.5 किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा, और आगे का रास्ता जो है काफ़ी उतार चढ़ाव भरा है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जाने से पहले आप अपने पास पानी और कुछ छोटे मोटे खाने की चीज़ें रख लीजिए, ताकि बीच में आपको भूख लगने वाली है तो उसके लिए आपको हेल्प हो जाएगी। और जिनको पैर वैर का प्रॉब्लम है, मतलब घुटने पैर में, तो वो थोड़ा सा देख के रहें, और उनको थोड़ा सा मतलब दिक्कत आने वाली है। और आगे का रास्ता कैसे होने वाला आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से चलते हैं। हमें उस तरफ जाना है, और वहाँ पर हमें चल कर जाना पड़ेगा, और 2.5 किलोमीटर चलना है, चलिए जल्दी से चलते हैं। तो कोरबा में काफ़ी सारे पिकनिक स्पॉट हैं, बट ये उनमें से अलग है, क्योंकि ये अभी नया नया ढूंढा गया है। तो इसकी वजह से जो है इसका रास्ता जो है काफ़ी अभी उतार चढ़ाव भरा है, मतलब ट्रैकिंग जो है काफ़ी तगड़ी है, मगर उतनी भी नहीं है, मगर फिर भी, क्योंकि यहाँ पर आपको पगडंडी जैसा रोड है, सड़क है, और मतलब जाने का रास्ता जो है नदी से होकर गुजरता है, मतलब आपको कहीं कहीं नदी में उतरना पड़ेगा, कहीं कहीं चट्टान को पार करना पड़ेगा, छोटा मोटा पहाड़, मतलब ऊपर नीचे होकर आपको जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप अपना सामान लेके आएंगे, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। हमें तो मालूम नहीं था, तो हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो मैं चाहता हूँ आप लोग कम से कम वो दिक्कत से बचें, जिन दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा हुआ था। तो चलिए आगे आपको और बताऊँगा आपको क्या क्या चीज़ें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रोड में आपको क्या है, आपको यहाँ पर कोई रास्ता तो है नहीं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मार्क दिखेंगे चट्टानों पर, पेड़ में, तो इनको आपको फॉलो करना है, और उसी वजह से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिर भी एक छोटी सी पगडंडी यहाँ बन जाती है, रोज़ लोग यहाँ चलते हैं, तो आपको उसको भी फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इस जगह को अभी नया नया ढूंढा गया है, मतलब ये नया एक्सप्लोर हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं है, और इस वजह से यहाँ भी भीड़ आ नहीं रही है। तो भाई कुछ लोग यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, बट उतना दिखाई नहीं देंगे जैसे कि आपको बाकी प्लेस पर यहाँ दिखाई देते हैं जनरली इस टाइम पर। और इस चट्टान पे ध्यान से देखिए, ये मार्क है ना, कुछ इसी तरीके के मार्क आपको हर जगह दिखाई देंगे, तो उनको आपको फॉलो करना। रानी झरिया में आपका स्वागत है। तो जैसे ही आप रानी झरिया पहुंचेंगे, कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, कुछ लोग आपको नहाते हुए, फ़ोटो खिंचाते हुए, और मतलब इंजॉय करते हुए, मतलब वहाँ का माहौल जो है ना काफ़ी मस्त है, और आप भी जाके वहाँ पे मस्त हो जाएंगे। मतलब वहाँ का माहौल इतना साफ़ सुथरा, देखिए ऊपर आप कितना क्लीन है, वहाँ का हवा भी आपको इतना मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा क्लीननेस का आपको फीलिंग आएगी, और ऐसी जगह पे आप जाना बिल्कुल चाहेंगे। और भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, ये देखिए झरना काफ़ी ऊपर से गिर रहा है, मेरे को लगता है 300-400 फीट के आसपास कहीं से गिर रही है, तो काफ़ी हाइट से ऊपर से आ रहा है, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये।
और यहाँ पर लोग जो है नहाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, और क्योंकि ठंड का टाइम है तो भाई काफ़ी ठंड भी है, जिसकी वजह से लोग अभी पानी में ज़्यादा उतरना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ जैसा जो है पानी जो है ना काफ़ी ठंडा है। तो कैसा लगा अभी यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, लोग पहली बार आए हैं, यहाँ का वातावरण भी अच्छा है, शुद्ध एकदम। हम लोग शहर की गंदगी वजह से यहाँ अच्छा है ना, इसलिए यहाँ आए हैं घूमने। तो जैसा जगह है क्या वैसे ही सभी लोगों को फील हो रहा है जैसे कि मैं फील कर रहा हूँ? इसके लिए मैंने एक व्यक्ति से उसका ओपिनियन पूछा और आपने वो देखा ही होगा। जंगलों के बीच में पहाड़ों को चीरती हुई जो है झरना जो है देखो नीचे गिरता काफ़ी हाइट से, और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पेड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, चट्टान से। तो फ्रेंड्स अब वक्त हो गया हमारे जाने का, और आज का हमारा रानी झरिया का सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, मैं हूँ मनोज, और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।